हाँ जी भैया, मैंने एक और राइड कैंसिल करी आज। क्या राइड कैंसिल कर दी आपने? एक राइड आई ओला पे, एचसीएल गेट नंबर 1 नोएडा के पास से। अच्छा, ओला पे आई थी? हाँ, मैं पहुंच गया लोकेशन पे। वहाँ लोकेशन पे पहुंचा, फोन करा मैंने, भाई आदमी आया 6-6.5 फुट का होगा, 120-130 किलो का। 120 किलो का है? सीधा मेरे पास आया, ओटीपी बताने लगा। मैंने कहा सर ओटीपी डालने से पहले ना आपका वेट कितना है? कह रहा बॉडी वेट। कह रहा, मैंने कहा हाँ जी बॉडी वेट। कह रहा 120-130 किलो होगा। मैंने कहा सर मैं नहीं ले आ पाऊंगा आपको, मैं 80 kg के ऊपर नहीं बिठाता। एक तो मेरे गाड़ी का बैलेंस नहीं बन पाता अगर मैं ज्यादा ओवर वेट करता हूँ, और दूसरा आप सर ऑटो और ये कार बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी बाइक पर बैठेंगे ना सर वो मुश्किल से ही चलाएगा, आसानी नहीं होगी। अच्छा, मतलब कि आपने बोल दिया उसे कि 80 किलो से ऊपर की सवारी नहीं लेता मैं। हाँ, मैंने कहा भाई वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, अब क्या बोलूँ, वो साउथ इंडियन होते हैं ना जैसे, वैसा था वो। अच्छा, वो ऐसे बोलते नारे अल्ले वारे बल्ले है। हाँ, इसी टाइप के थे। मैंने कहा, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा सर ओवर वेट नहीं ले जा पाऊंगा। पर ये समस्या देखो, कंपनी तो कोई रूल बनाएगी इसके लिए। अच्छा, ये राइडर को ही मना करना पड़ेगा। पर कई बार अभी कई बार ऐसा भी तो होता है कि राइडर जहाँ जाना चाहता है वहाँ की राइड मिल जाए उसे, तो वो ले भी लेता है। हाँ तो भाई, चलो मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जिससे ना भाई बहुत रिस्क हो जाता है। एक तो गाड़ी पीछे को झुक जाती है, पर अगर तो गाड़ी का भाई पिकअप खत्म हो जाता है, ब्रेक मारते ऐसे झूला खाती है गाड़ी आगे को। अच्छा, पिकअप खत्म हो जाएगा भाई, ब्रेक शू खत्म हो जाएंगे आपके। अच्छा, टायर खत्म हो जाएगा, कार इंजन पे इतना लोड आ जाता है। हमको 250 cc की गाड़ियाँ थोड़ी चला रहे भाई। हाँ भाई, मेरी गाड़ी में काफी खर्चा हुआ अभी। ये काम ना भाई राइडर ही कर सकते हैं, ये कंपनी भी नहीं कर सकती है। अच्छा, तो कस्टमर को पैसे बचाएगा। राइडर लगातार अगर कैंसिल करेगा तो कंपनी समझेगी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ, तभी ऐसा हो रहा है। हाँ, एक ही बंदे की राइड बार बार कैंसिल होगी ना। अच्छा, तो कंपनी को भी समझ आएगा, मतलब वो कल को कंप्लेंट करे ना करे, वो भी कहेगा कि मेरा ओवरवेट करके बुक कर दिया, तो कंपनी कहेगी सर आप फिर गाड़ी बुक कर लो ना, ऑटो बुक कर लो, बहुत ऑप्शन। और फिर ना कस्टमर भी ये बात समझने लग जाएगा कि भाई मेरे को कोई भी बाइक वाला लेके नहीं जा रहा, स्कूटर वाला नहीं जा रहा, तो मेरे को ऑटो बुक करना पड़ेगा ना। अरे भाई, उसको बिठाता ना तो इतना, एक तो पूरा पिकअप विकअप ऐसी तैसी हो जाती भाई, गाड़ी पेट्रोल भी तो ज्यादा खाती है अगर आप वेट डाल दोगे ज्यादा। पिकअप भी ज्यादा लगता है और इंजन पे भी तो कितना लोड पड़ता है ना सब ये। वही तो भाई, देखो एक तो गर्मी का टाइम है। हाँ, इतनी पिकअप लेके रेस देके गाड़ी उठाओगे भाई, क्या लोड पड़ेगा ईएल पे यार, समझो भाई 80 किलो भी ज्यादा होता है, आदमी नॉर्मल 60-70-80 किलो के ही होते हैं। हाँ, अगर इससे ज्यादा वेट वाला है तो उसको खुद से एक चीज सोचनी चाहिए कि मैं करके आ रहा हूँ। हाँ, कस्टमर को भी जान से बिल्कुल भी बोल दिया, ओवर वेट बंदा बिठाने से एक्सीडेंट होने के बहुत चांस हो जाते हैं। हुए भाई साहब बहुत बार हम लोगों को, मेरे को तो जानकारी मिलती रहती है ना, तो ये होते भी हैं बहुत बार, राइडर बताते हैं कि मैं एक्सीडेंट हो गया। भारी आदमी बिठाओगे और कुछ रास्ते में कुछ भी हुआ तो गाड़ी फिसलने का डर और जरा सा बैलेंस बिगड़ा और गिरने का डर बहुत ज्यादा है। और जाम वाले एरिया में तो ब्रेक मारनी पड़ती है बार बार, फिर उसके बाद उठाने में कितनी दिक्कत होती है बाइक को। अरे भाई, गाड़ी पूरी झूले खाती है आगे पीछे, वो कितना लोड पड़ता होगा ब्रेक शू पे भाई, कस्टमर नहीं समझता ना, वो तो ज्यादा मेरे पैसे बच रहे हैं, मेरी ना मेरी गाड़ी, ना मेरा ड्राइवर, ना मेरा पैसेंजर। ये चीज राइडरों को समझनी चाहिए। हाँ, मैं ये वाली क्लिप ना यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है आपकी। भाई, पैसे भी नहीं लिए जा सकते कि चलो एक्स्ट्रा पैसे ले ले, ये रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है इसकी वजह। नहीं, ये चीज ना राइडर को समझनी होगी कि जब लगातार किसी एक कस्टमर की राइड कैंसिल होगी तो कंपनी भी सोचेगी कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, इसलिए इसकी राइड कैंसिल हो रही है। और क्या, मैं थोड़ा एक दो बुकिंग करके ना मैं कस्टमर केयर पे फोन भी लगाऊंगा, मैंने कहा जी मैंने ये राइड कैंसिल करी है और ये कस्टमर 120-130 किलो का है। हाँ, आप देख लो कैसे कर लो। नहीं, ऐसा होता है ना, कंपनी को जो है ना फीडबैक भी लेना चाहिए राइडरों से कि भाई तुम्हारे साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई राइड कैंसिल करो, और एक तो उसने मास्क भी लगाया था, चलो कोई नहीं। हाँ, भाई राइड कैंसिल करो, तुरंत कस्टमर केयर में फोन लगाओ कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैंने राइड कैंसिल करी। अच्छा, और मैंने एक वीडियो डाली भी थी जब उबर वाली, मैंने आपने देखी होगी, उसमें मैंने उसके कस्टमर केयर को बोला उबर के कि भाई ओवर वेट की सवारियां मिलती है, बहुत परेशानियां होती हैं। हाँ, और उबर वाले ने क्लियर भी कहा था कि आप राइड कैंसिल कर दोगे, आपको वहां पर पहुंचने के पैसे भी मिलते हैं, उसके बाद भी बहुत राइडर जो है ओवर वेट ले लेते हैं।
नहीं वो भाई जो ले लेते हैं ना फिर देखो वो अपना ही रिस्क ले रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। पर ये चीज राइडरों को समझनी होगी, हो ना तो भाई अपनी गाड़ी खराब कर रहे हो। बिल्कुल 40-50 सौ रुपए की राइड के लिए भाई लाख रुपए की आ रही है आजकल टू व्हीलर। लाख रुपए चाहिए टू व्हीलर खरीदना हो तो लाख से नीचे है ही नहीं। हाँ और आप जब तक लाख रुपए कमाओगे उसको तब तक आपकी गाड़ी दोबारा खर्चा मांगना स्टार्ट कर देगी। हाँ अरे भाई गाड़ी गाड़ी वाले भी मुंह बना लेते हैं हैवी सवारी से, ये तो बाइक है। अब जैसे ये हमारी जो ये पार्सल वाली कंपनी आई है 20 किलो ओवर 20 किलो से ऊपर ओवर वेट गिनती है और सवारियों में हम 80-120 किलो तक की सवारी ले लेते हैं, उसके बाद भी बहुत से जो हमारे राइडर है ना वो 20 किलो से ऊपर के माल ढोलो उस पर भी मतलब कि वो करने लगते हैं कि यार तुम ज्यादा वेट ले रहे हो, और जबकि सवारियों में वही राइडर 120-130-150 किलो तक की सवारियां ढो लेते हैं। यही गलत है ना भाई, भाई ये राइडर को कंट्रोल करनी पड़ेगी ये वाली चीज। सारे राइडर एक हो जाए ना मतलब नहीं कोई कंपनी कुछ कह दे। चलो मैं ये एक अभियान की तरह लेके चलना है कि अब राइडरों को ना जो भी भारी सवारी मिल रही है उसको कैंसिल करना होगा। हाँ चलो भाई मैं जरा कंप्लीट कर लीजिए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है।